दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस शेयर के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस शेयर की पूरी कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें फाइनेंशियल एनालिसिस और भी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर करीब 2-2.5 साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ है और तो इसकी लिस्टिंग 24 रुपए के आसपास देखने को मिली थी, जबकि इसका इशू प्राइस करीब 26 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद ये काफी ज्यादा नीचे गया, करीब करीब ये 20 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आया और उसके बाद दोस्तों इसमें तेजी देखने को मिली और आप देख सकते हैं इसने करीब 37 रुपए के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट के अनुसार ये थोड़ा सा नीचे आया और इसने एक सपोर्ट जोन बनाया करीब 27 रुपए के आसपास और उसके बाद आप देख सकते हैं 2-3 हफ्ते पहले से इसमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और इसका जो हाईएस्ट प्राइस था, यानी कि जो लाइफ टाइम हाई था इसका 37 रुपए के आसपास, वो यहां पर इसने टच किया है। दोस्तों अब बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल है कि आखिर आगे इस शेयर में क्या करें। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसका एग्जैक्ट हाईएस्ट प्राइस है उसी प्राइस से इसमें बिकवाली देखने को मिली। इसका साफ साफ मतलब है कि दोस्तों यहां पर जो लोगों ने खरीदा होगा, ऊपर तक शेयर गया, लोग नहीं बेच पाए थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही नीचे आए तो लोगों को डर लगा होगा और दोस्तों जैसे ही ये ऊपर गया लोगों ने यहां पर बिकवाली स्टार्ट कर दी, यानी कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फिर भी शेयर में स्ट्रेंथ बनी हुई है और दोस्तों अभी मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि दोस्तों ये जो गिरावट है इस शेयर में ये मामूली समय के लिए है, यानी थोड़े समय के लिए है। अगर आगे भी देखा जाए तो इस शेयर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है और दोस्तों जैसे ही 37 रुपए का लेवल ही ब्रेक करेगा इसमें आगे आने वाले समय में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी और नए लेवल्स आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक्सपेक्टेड है कि ये जो शेयर है यहां पर 45 रुपए के आसपास जा सकता है। जब 37 रुपए का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये 45 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो दोस्तों इस शेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी है और बहुत ज्यादा इसमें स्कोप देखने को मिल सकता है और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में कई गुना पैसा आपका करके दे सकता है। तो दोस्तों अगर अभी के लिए देखा जाए तो जिसके पास है उसको होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बस अब यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक डिसाइड हो जाएगा कि इसमें क्या होना है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बिकवाली है ये काफ़ी कम समय के लिए है, आगे यहाँ पर अगर देखा जाए 2-3 हफ्तों में तो इसमें मुझे लगता है मेरे हिसाब से तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आप किस हिसाब से इसमें एनालिसिस करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसकी कंप्लीट एनालिसिस मैंने करी थी जो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इस शेयर के बारे में फाइनेंस के बारे में भी बताया था और कंपनी क्या करती है और भी सारी चीजें जो इसकी डिटेल थी वो मैंने आपको बताई थी। और दोस्तों यहां पर मैंने प्रॉफिट फोरकास्टिंग भी बताई थी कि आगे आने वाले समय में इसका प्रॉफिट कैसा रह सकता है। तो दोस्तों आई बटन पर जाकर आप जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।